क्या महागठबंधन में दरार शुरू हो गया है? दरअसल यह सवाल लगातार तैर रहा है बिहार की राजनीति में। सवाल इसलिए क्योंकि जीतनराम मांझी ने जो बातें कही है उसके बाद आरजेडी ने नाराजगी व्यक्त कर दी है। दरअसल जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर यह कहा कि अगर एनडीए में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, तो मेरा समर्थन नीतीश कुमार को रहेगा। नीतीश कुमार इन फ्यूचर अगर किसी वक्त किसी के साथ जाने का फैसला लेते हैं तो हिंदुस्तान युवा मोर्चा उनका स्वागत करती है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। दो 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 चार नहीं होते हैं राजनीति में, दो और दो छः भी होता है और दो और दो 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 भी होता है कभी कभी। इसलिए अगर नीतीश कुमार परिस्थितियाँ वैसी बनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए बिहार के हित में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद आरजेडी तेजस्वी यादव की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे जीतनराम मांझी को लेकर कह दिया है कि कुछ लोगों को उम्र का असर जो है वो दिखने लगा है, यानी कि जीतनराम मांझी का उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए उन्हें नहीं मालूम है कि क्या बयान देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। हालांकि शक्ति यादव ने भी कहा है कि उन लोगों के बयान से महागठबंधन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन याद कीजिए, एनडीए कार्यकाल में भी इस तरीके से ही बयानबाजी हो रही थी और बयानबाजी होते होते एक दिन ऐसा समय आया जब महागठबंधन की सरकार बन गई, यानी कि एनडीए की सरकार गिर गई और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आकर सरकार बना ली। जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने यही कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरे नेता को अपमानित किया जा रहा था। चिराग पासवान द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो सरकार प्रभारी पर गई थी और एक दिन सरकार गिर गई और वही बयानबाजी एक बार फिर से महागठबंधन में शुरू हो गया है। तब चिराग पासवान थे और अब जीतनराम मांझी जो है वो बयान दे रहे हैं और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन में असहजता है। कांग्रेस नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मुझे कुछ इस बयानबाजी पर कुछ नहीं कहना है, सरकार अच्छे से चल रही है, हम लोगों को पूरा विश्वास है नीतीश कुमार अच्छे से सरकार को चलाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही था कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा। जीतनराम मांझी ने समर्थन तो कर दिया है जिसके बाद आरजेडी ने नाराजगी व्यक्त की है। आरजेडी ने खुले मन से कहा है कि कुछ लोगों को उम्र का असर जो है वो दिखने लगा है, इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हालांकि वैसे लोगों के बयान से महागठबंधन के सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीतनराम मांझी अपने समाज के एक बड़े नेता है, नीतीश कुमार और उस वक्त जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जीतनराम मांझी को। जीतनराम मांझी इसके बाद उन्होंने अपना पार्टी बनाया और बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका के तौर पर जीतनराम मांझी को देखा जाता है। तो जीतनराम मांझी एक बार फिर से चर्चाओं में है। चिराग पासवान और बीजेपी नेताओं के कारण एनडीए की सरकार गिरी थी, यह आरोप जनता दल यू लगाती रही और एक बार फिर से इस बार चिराग तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी उस भूमिका में जरूर अपने आप को देख रहे हैं।